दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, अब भारत करेगा स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन। रूस के स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपर्स और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत भारत में सितंबर में स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की बात कही गई है। रूस का सॉवरेन वेल्थ फंड वैश्विक स्तर पर वैक्सीन को बढ़ावा दे रहा है। सॉवरेन वेल्थ फंड के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष वैक्सीन की 300 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करने की योजना थी। इससे भारत स्पुतनिक वी के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में सामने आता है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के अनुसार पार्टियों का इरादा भारत में सितंबर 2021 में पहले बैच के साथ प्रतिवर्ष वैक्सीन की 300 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करने का है। RDIF ने कहा कि मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रूस के गामालेया केंद्र से सेल और वेक्टर नमूने पहले ही मिल चुके हैं। RDIF के अनुसार भारत स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र है। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI द्वारा उनके आयात को मंजूरी मिलने के साथ कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर 67 देशों में पंजीकृत किया गया है, जिसकी कुल आबादी लगभग 3.5 बिलियन से अधिक है।